अभी जो अपनी ट्रेन है उसका पता चल गया, वो आएगी हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो आपका -22 जाने वाला है भाई। भाई 2 मिनट में हाथ जमा दिए यहाँ की सर्दी ने, तो हवा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, तबीयत थोड़ा बिगड़ते हुए नजर आ रही है, थोड़ा कोल्ड हो गया। सो वेल, हाय दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग होने वाला है दोस्तों मेरा अलमाटी टू अस्ताना। बाय द वे, आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से ट्रेन से, बिकॉज मैं फ्लाइट भी ले सकता था लेकिन मुझे एक्सपीरियंस करना था ट्रेन का जर्नी। तो 1.5 घंटे बाद अपनी ट्रेन है अस्ताना के लिए, बट अभी मैं हूँ कहाँ पर, मैं हूँ गगन भाई के रूम पे फिलहाल। एंड जस्ट अभी भाई लंच कराया है भाई ने, थैंक यू सो मच गगन भाई। एंड यहाँ से अब हम लेंगे कैब या फिर बस, 1.5 घंटा हमें वैसे लगेगा। और आज मैं दिखाने वाला हूँ कि भाई अपनी जो ट्रेन जर्नी है अलमाटी टू अस्ताना कैसी होने वाली है और कैसे कैसे आप जा सकते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी निकलते हैं बिकॉज टाइम अपने पास बहुत कम है, 4:30 बज गए हैं, आधा घंटा पीछे चल रही है। बाय द वे मेरे को 7 बजे की ना ट्रेन है, तो जल्दी बैग उठाते हैं। तो गगन भाई के घर को बाय बाय करते हैं। बाय द वे गगन भाई इधर है तो इन्हें अभी बाय बाय नहीं करेंगे, ये साथ में ही चल रहे हैं। तो अभी निकलते हैं स्टेशन के लिए, मेरा अलमाटी 1 है स्टेशन नंबर। तो ऐसा कुछ दिखता है गगन भाई के बाहर का, ये रहा। एंड थैंक यू भाई, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। और जो अरे नहीं, मेरे को अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम मतलब कोई ऐसा इंडिया से आया और मैं मिला हूँ, मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस लगा आपसे मिलकर। अरे सेम यार ब्रो, सेम यार। तो भाई अभी चलते हैं, 88 नंबर बस है अपनी, एंड आगे से चलते हैं भाई। Hours later. So, दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ अलमाटी 1 जो कि मेरा स्टेशन है। एंड यहाँ से मैं लूँगा ट्रेन आपकी अस्ताना के लिए। अलमाटी टू अस्ताना जर्नी होने वाली है जिसकी ड्यूरेशन होने वाली है 16 घंटे के आसपास। तो मज़ा तो बहुत आने वाला है बिकॉज 16 घंटे आप ट्रेन में होंगे। एंड जहाँ मैं जाने वाला हूँ बाय द वे वहाँ का टेम्परेचर होने वाला है -16 to 20, तो और ज़्यादा चैलेंजिंग होगा लेकिन मज़ा भी आएगा, फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं टिकट वगैरह का पहले सारी चीज़ें। भाई अभी लिया पानी की बोतल, थोड़ा सा ले लिया खाने का रेडीमेड सामान, 150 रुपये का, 150 रुपये की है भाई, बहुत मोटा खर्चा कर दिया पानी पीने के लिए 150 रुपये। तो अभी चलते हैं अंदर और स्टेशन से। हाय, तो गाइज यहाँ से अपनी एंट्री हुई है। एंड ऐसा कुछ है यहाँ का अलमाटी स्टेशन जो कि मेट्रो तो नहीं, रेलवे स्टेशन है। एंड यहाँ से मतलब यहाँ अपनी ना फ्लाइट वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो 009 मेरा प्लेटफॉर्म नंबर है। एंड 19:21 मतलब कि मैं जाने वाला हूँ 7:21 पर मेरी ट्रेन यहाँ से निकलेगी। अभी वक्त हुआ है, 1 घंटा मेरे पास है स्टिल अभी, 1 घंटा। तो गाइस अभी पहले पूछने चलते हैं कि अगर टिकट का प्रिंट आउट चाहिए या नहीं। एंड मैं आपको बताऊंगा कि अगर चाहिए रहेगा तो बता दूंगा, नहीं चाहिए तो बता दूंगा, पहले बात करते हैं इनसे। तो दोस्तों अभी मैंने पूछा था कि टिकट का प्रिंट आउट नेसेसरी है या नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास डिजिटल टिकट है लाइक जो आपको मिलती है PDF में, अगर वो है तो आप वो भी दिखा के मतलब एंट्री ले सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड कुछ ज़्यादा भी तो बड़ा दिख नहीं रहा ये स्टेशन। एंड गाइस ये जर्नी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि 16 घंटे सिर्फ मैं होऊंगा एंड कुछ लोकल से बात भी करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये टिकट हुई थी मेरी आपकी 10,000 टेंगे में जिसकी ड्यूरेशन है 15 या 16 घंटे। तो इतने में मैं ये टिकट लेके जा रहा हूँ, और अदर ऑप्शन भी थे जिसमें ना 6,000-7,000 टेंगे में हो रहा था बट 20 घंटे का टाइम मांग रहा था वो, तो मैंने ये सेलेक्ट किया। तो गाइज अभी प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है, ना अपनी ट्रेन है ना कुछ है। एंड सर्दी थोड़ी सी लग रही है बाहर की तरफ, और मैंने जैसे आपको बताया है कि अस्ताना में भाई सर्दी ही सर्दी होने वाली है। तो अभी बस वेट कर रहे हैं फिलहाल तो ट्रेन का आने का, अभी 1 घंटा है मेरे पास। एंड ऐसा कुछ दिख रहा है, बस ये समझ आ रहा है अलमाटी 1, बाकी तुम समझ लो भाई गूगल ट्रांसलेट लगा के। तो अभी पहले पूछते हैं कि प्लेटफॉर्म मेरा कौन सा है, प्लेटफॉर्म नंबर, बिकॉज यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म है, अब मुझे नहीं पता कि जाना किससे है। तो दोस्तों अपनी 1 घंटे बाद है ट्रेन, अभी है ना प्लेटफॉर्म नंबर वगैरह अभी कुछ पता नहीं चला। एंड ये अपना सामान है, भाई को अभी करते हैं विदा एंड थैंक यू भाई, सीरियसली बहुत जल्दी मिलते हैं भाई, इंडिया में आओ यार।
तो अभी चलते हैं भाई, सेम एयर ब्रो, सेम एयर। एक नया ब्लॉगर दोस्त बन गया मेरा, देखो और क्या चाहिए। दोनों ब्लॉगर ही हैं। एंड भाई को अभी करते हैं विदा। बाकी सारी जगह घूमने का भी प्लान था बट वो मेरे को टाइम नहीं मिला कहीं भी जाने का। भाई पढ़ाई वगैरह भी है भाई, जिस दिन जा रहा था उस दिन कोई ना कोई काम आ रहा था। हाँ हाँ, तो अभी भाई को विदा करते हैं और जल्दी मिलेंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों अभी गगन भाई जा चुके हैं, मतलब उनको जाना था ऑलमोस्ट 40 जो बस स्टॉप हैं वो उनको लेने थे, मेरे को एक घंटा तब भी वेट करना था, तो वो अभी चले गए। एंड मैं स्टेशन पे वेट ही कर रहा हूँ अपने ट्रेन के आने का, वहाँ पे मुझे पता चलेगा कि जो मेरा प्लेटफॉर्म नंबर है वो कहाँ है। तो अभी तक तो कोई अपडेट आया नहीं है, 8:30 बज चुके हैं, 8:30 नहीं सॉरी 6:30, वो 18:35 दिखा तो ऐसा बोल दिया। अभी जो अपनी ट्रेन है उसका पता चल गया, वो आएगी हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। एंड आई थिंक ये सभी जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये उधर ही जा रहे हैं। अभी चलते हैं अपना सामान लेके, क्योंकि ऊपर से ऐसे जाना है। मैंने भी पूछा था यहाँ की सिक्योरिटी से, तो वो बोल रहे हैं कि आप है ना ऊपर से लिफ्ट लेके चले जाओ। तो सामान ज़्यादा है तो शूट नहीं कर पाऊँगा बिकॉज बैग 2 हैं एंड थोड़ा सा हाथ में भी सामान है। तो अभी एक काम करते हैं, पहले चलते हैं ऊपर और देखते हैं वहाँ वेटिंग रूम होगा तो ठीक है, अदरवाइज अपनी ट्रेन में बैठेंगे। तो गाइज मेरा जो मतलब लैपटॉप मतलब जो बोगी है डब्बा है वो मुझे बताया है आगे, तो मैं बस उधर ही जा रहा हूँ सामान लेके, जैसे तैसे करके पकड़ के लेके जा रहा हूँ। तो बाकी देखते हैं ट्रेन अंदर से कैसी है, अभी तो ठीक लग रही है। तो गाइस मुझे मेरी सीट मिल गई है, 55 नंबर अपना है एंड ये मेरी सीट रहने वाली है। अभी तो मैंने सामान ही रखा है क्योंकि दिखाना था, और ऐसा कुछ है यहाँ पर मतलब इधर भी तो काइटली ठीक है। आई थिंक मुझे ये फोल्ड करना पड़ेगा जो ये वाला पोर्शन है, इसको फ्लिप करके एंड तभी मैं सो पाऊंगा बिकॉज ये लेटने की जगह इतनी है। तो भाई अभी मैंने पूछा ऑफिसर से कि लाइक इसमें चार्जिंग पोर्ट है कि नहीं, तो ऐसा तो पर्टिकुलर है हर एक सीट के साथ कोई चार्जिंग पोर्ट इसमें मिला नहीं। एंड जस्ट मैंने पूछा तो एक ये है, तो भाई ये है अपनी ट्रेन। इसमें चार्जर मेरे को मिला ही नहीं एंड अभी पता नहीं कैसे होने वाला है सफ़र अपना। तो जैसे भी है चलते हैं भाई अपना, अभी 16 घंटे के लिए तो पैक्ड है, कुछ कर नहीं सकते, जैसा भी मिला है जो भी मिला है उसमें एडजस्ट करने का ट्राई करेंगे। जस्ट एक पोर्ट मिला है मुझे। The next day. तो गाइस ये इसमें मिला था बॉक्स में, लेकिन मैं अपनी अलग कॉपी लेके आया था एंड मैंने जो है अपनी अलग 3-in-1 कॉफ़ी थी तो मैंने वो बना ली है। एंड बाहर का कुछ ऐसे दिख रहा है फिलहाल अभी। तो गाइस 13 घंटे से मैंने अपनी आवाज़ नहीं सुनी, मतलब 13 घंटे हो गए थे अभी मैं बोलने लगा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं चुपचाप ही बैठा था भाई। एंड 13 घंटे मैं चुपचाप रहा, बस ऐसे ही मतलब चलता रहा लाइक सो गया उसमें। 11:30 घंटे तो मैं सोया ही हूँ एंड थोड़ा सा मैंने एडिटिंग की थी बिकॉज यार बैटरी बहुत कम है एंड चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे है नहीं। मैं सोच रहा था कि यार एक काम करूँगा, ट्रेन में 2 व्लॉग एडिट कर दूँगा एंड तो उसमें क्या है कि अपना जो टाइम है वो यूटिलाइज हो जाएगा, बट ऐसा कुछ यहाँ मिला नहीं बिकॉज चार्जिंग का इशू रहा है। एंड उसके हिसाब से फिर जैसा था मैं सो गया भाई, तो 11-12 घंटे सोया हूँ मैं, अभी पी रहा हूँ कॉफ़ी फ़िलहाल, बाकी ट्रेन जा रही है भाई दर। ऐसा ही है फिलहाल तो यहाँ कुछ मतलब एटलीस्ट मेरी एडिटिंग हो जानी चाहिए थी, जो मैं सोचा था कि चलो यार एडिटिंग हो गई ना तो एडिटिंग से ये कि 2 ब्लॉग में डाल सकता था। अभी क्या, अभी रूम में जाऊँगा एंड एडिट करूँगा आज, कल का प्लान देखते हैं घूमने का। तो भाई अपनी चार्जिंग हुई है यहाँ पूरी रात, मतलब ऐसे यहाँ पे रख के फोन, तो जुगाड़ पानी किया है मतलब थोड़ा सा एडजस्ट करके। एंड जो मेरा बेड है वो ये वाला है जो आप देख पा रहे होंगे ये। बाकी दोस्तों अभी जो है यहाँ से जर्नी है मेरी अभी 4 घंटे की बाकी है, मैं अराउंड 2-2:30 बजे पहुँच जाऊँगा और अभी है ना 10:30 हो चुके हैं। तो दोस्तों शायद से कोई स्टेशन आने वाला है क्योंकि पहली बार कोई सवारी उतर रही है एंड ये लेके जा रहे हैं बैग वगैरह, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई स्टेशन हो, लेकिन अपना तो अभी ना 4 घंटे बाद है यार। एंड ये आंटी है, ये लोग सारे मतलब भाई रात से पूरी रात भाई बात करते करते नहीं थकते यार ये लोग। समझ ही नहीं आ रहा, बट अभी देखते हैं स्टेशन के बाहर का थोड़ा सा क्योंकि ट्रेन रुकेगी, तो बाहर चल के देखते हैं कैसा रहेगा। तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ काराकंदा स्टेशन पर और अस्ताना यहाँ से है 200 किलोमीटर अराउंड, आपका 2.5-3 घंटा लगेगा। एंड बाहर का कुछ ऐसा सीन है,
तो थोड़ी थोड़ी बारिश है एंड अस्ताना में जाके हो सकता है थोड़ा स्नो वगैरह भी मिले, ठंडी तो है बाहर, थोड़ी थोड़ी स्नो आ रही है मैं देख पा रहा हूँ बट वो कैमरे में नहीं दिखेगी। तो फाइनली मतलब हो सकता है कि अस्ताना में हमें स्नो देखने मिल जाए, फ्रेश स्नो, जिसकी हम बात भी कर रहे हैं। एंड अच्छी बात ये होगी, अच्छी भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी है। लाइक वहाँ का जो टेम्परेचर है वो आपका -22 जाने वाला है भाई, -22, कैन यू इमेजिन दैट? सीरियसली आज तक मैंने अपनी जिंदगी में -6 अलमाटी में गया हूँ। देखो इनके कैप पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये स्नो ही है, वाइट वाइट देख पा रहे होंगे ना, तो ऐसा ही है भाई। बाकी अभी चलते हैं अपना अस्ताना की तरफ। तो भाई बाहर स्नो वगैरह थोड़ी थोड़ी दिखने लगी है एंड अभी तो 200 किलोमीटर है, तो इसका मतलब अस्ताना में तो भर के स्नो मिलने वाली है भाई, मज़ा आने वाला है। लेकिन बाहर सर्दी बहुत है, अब इसे कोल्ड महसूस होने लगा है। बाकी चल के देखते हैं कैसा रहने वाला है सब कुछ। तो गाइस अभी अस्ताना से मैं हूँ आधा घंटा दूर एंड तबीयत थोड़ा बिगड़ते हुए नज़र आ रही है, थोड़ा कोल्ड हो गया है, गला ख़राब है, फीवर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा यार, माइनस में जा रहा हूँ मतलब टेम्परेचर में एंड आई डोंट नो मैं शूट कर पाऊँगा या नहीं। अभी मेडिसिन लिया है, अभी जाके सीधा हॉस्टल रेस्ट करूँगा थोड़ा सा, बिकॉज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही टू बी ऑनेस्ट, गला तो बैठते जा रहा है एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया। तो देखते हैं, बाकी ट्राई करूँगा भाई, अगर बाकी अगर तबीयत ठीक नहीं लगी तो रेस्ट करके, परसों फ्लाइट है मेरी, फिर तो निकल ही जाऊँगा, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। बाकी अगर तबीयत के ऊपर है भाई, अगर कोशिश करूँगा कि भाई जो मेरा अगला व्लॉग है वो मैं शूट कर पाऊँ, अदरवाइज सीधे आपको घर ही मिलूँगा मैं। तो दोस्तों अभी बचा है 20 मिनट का डिस्टेंस एंड थोड़ा थोड़ा धूप निकल रही है तो भाई सुकून मिल रहा है एंड मेडिसिन लेके है ना थोड़ा सा है ना रिलैक्स हुआ है, लाइक थोड़ा सा ठीक है। बाकी रूम पे जाके तो मैं रेस्ट ही करूँगा एंड देखते हैं बाहर हवा कितनी है, बिकॉज जो मेरे दोस्त हैं अस्ताना ही आए हुए थे तो बोल रहे कि हवा बहुत ज़्यादा है, अभी तो नहीं लग रहा क्योंकि धूप है, गला ख़राब हो गया भाई। बाकी देखते हैं यार, होप कि तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि मैं किसी चीज़ के लिए एक दिन के लिए यहाँ आया हूँ एंड है वो है नूर सुल्तान ग्रैंड मॉस्क। अगर आपने स्टोरी वगैरह में देखा होगा ना, लाइक इंस्टाग्राम रील्स में, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ, मेरा रीज़न ही है, क्योंकि अदरवाइज़ मैं ना अलमाटी से भी जा सकता था। बाकी देखते हैं पहुँच कर, पहले सबसे पहले देखते हैं रूम, तबीयत ठीक होगी तो जाऊँगा, नहीं होगी तो भी जाऊँगा। लिटरली गाइस बाहर का देख के बहुत ज़्यादा स्केरी लग रहा है यार, बहुत तेज़ हवा है। तो अभी कैंप निकाल लेता हूँ एंड ऑलमोस्ट पहुँच गए हम लोग, बाकी सामान उठा के बाहर मिलता हूँ आपसे। और बाहर का देख के तो मुझे लग नहीं रहा भाई मैं सस्टेन कर पाऊँगा, एक दिन बहुत मुश्किल हो जाने वाला है मेरे लिए। वेलकम टू अस्ताना। तो भाई उतरते हैं अभी, हवा तो तेज़ चल रही है, देख लो भाई क्या हालत हो रही है। ये हाल है यहाँ का, अस्ताना पहुंच गए भाई एंड हवा में है ना स्नो का एक क्या ही बोलूं। तो फाइनली वी आर रीच्ड, तो अभी चलते हैं एंड लेते हैं कैब यहाँ से, मतलब पीछे स्टेशन है तो बाकी कैब लेके निकलते हैं अभी भाई, क्योंकि हाथ में वेट भी है एंड मैं इतना कैरी कर नहीं पा रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो सबसे पहला काम है कि रूम पहुँचना एंड हवा बहुत तेज है यार सीरियसली। बाकी अभी तबीयत भी थोड़ा ठीक है, मैंने मेडिसिन ली थी, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है और हाथ पैर ठंडे होने लगे हैं अभी से, तो चलते हैं अभी भाई। यहाँ के अंदर तो सच में बहुत सुकून है, मतलब टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है। बाकी अभी एग्जिट पॉइंट इधर है तो चलते हैं बाहर, यांडेक्स कैब लूँगा एंड पहुँचूँगा सीधा अपने हॉस्टल। धूप भी है लेकिन उसमें स्नो का और जो हवा का असर है ना भाई, ख़तरनाक एकदम। तो ऐसा कुछ दिखता है भाई अस्ताना का, मतलब ये मैं अभी स्टेशन पे हूँ, बाकी अभी पहले चलते हैं यार, मुझे तो ये भी नहीं पता एग्जिट किधर है, कैब ही बुक करके देखता हूँ, वो ही आएगा खुद ही बताएगा। तो दोस्तों अभी कैब बुक कर चुका हूँ मैं एंड 10-11 मिनट लगेगी उसमें आने में, तो अभी देखता हूँ हो सके इसमें हवा से थोड़ा बच जाऊँ तो भाई यहाँ खड़ा होता हूँ थोड़ी देर के लिए। बाकी हवा बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो भाई अपनी टैक्सी आ गई है, अभी बैठते हैं इसमें, पहले सामान वगैरह रखते हैं, चलते हैं फौरन से फटाक से। चलते हैं भाई अभी, बर्दाश्त होती थी सीरियसली।
भाई 2 मिनट में हाथ जमा दिए यहाँ की सर्दी ने, तो हवा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। बाकी अभी सीधे चल रहे हैं अपने हॉस्टल के लिए, क्योंकि हॉस्टल ही लिया है भाई 2 दिन के लिए, मेरा यहाँ स्टे होने वाला है। और अभी कार में बैठ के थोड़ा हीटर में सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई सुरक्षित है हम, तबीयत अभी बेहतर है तो अच्छा लग रहा है बोलने में भी और सारी चीज़ें। बाकी वरना तो तबीयत मेरी बिगड़ गई थी, अभी कोल्ड भी फील नहीं हो रहा, बाकी सर्दी फील हो रही है, हवा लग रही है। और चलते हैं भाई, अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज अभी जो आने वाला नेक्स्ट व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है और उसी के लिए मैं यहाँ आया भी हूँ स्पेशली। दोस्तों इस व्लॉग को करते हैं यही एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मैं भी रखूँगा भाई, क्योंकि मेरे को एक दिन सस्टेन करना है कैसे भी इस हवा में, इस ठंड में। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।